हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कलेक्शन ऑफ टॉयज़। और आज का जो कलेक्शन आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कलेक्शन ऑफ गारबेज ट्रक। दोनों ट्रक बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एक जो है काफ़ी छोटू सा है, काफ़ी पिद्दू सा, और एक जो है काफ़ी बिग है साइज़ में। दोनों की स्पीड की परफॉर्मेंस दोनों डिफरेंट है, दोनों की प्राइसिंग जो है वो भी डिफरेंट है, दोनों की कॉस्टिंग जो है वो भी डिफरेंट है। और दोनों का अंदर से कैसे दिखती है, अंदर से इसके अंदर गार्बेज कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से फिल कर सकते हैं, वो भी हमें चेक करना होगा, तो वो भी डिफरेंट है। दोनों का रिमोट भी आप देख सकते हैं, एक का रिमोट काफ़ी छोटा सा है, ग्रीन कलर का है, ट्रक आर सी लिखा हुआ है, और एक का जो रिमोट जो काफ़ी बिग है वो स्टेयरिंग वाला दे रखा है। तो दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आई होप आपको मज़ा आ जाएगा। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे कि मैं जब भी कोई हमारा नया टॉयज़ का वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। चलिए बिना किसी देर के जल्दी से मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले कौन सा पिक करूँ, छोटा करूँ या बिग करूँ, जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए, उसके बाद हम पिक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पिक करता हूँ हमारे लिटिल वन, छोटे वन को। तो इसके साथ हमें क्या मिल जाता है, इसके साथ हमें रिमोट मिल जाता है, यहाँ पे आपको आगे पीछे राइट लेफ्ट, और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी छोटा सा है। एंटीना यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे ट्रक आर सी कार दे रखा, कलर जो है पूरा मैच को मैच है, ग्रीन 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 है, और यहाँ पे जो है इसका डार्क ग्रीन है, इसका लाइट ग्रीन है, और ये जो हमारा जो रिमोट है वो भी ग्रीन है, बिल्कुल इसके कलर से मैच है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टेयरिंग दे रखा है, और यहाँ पे ओहो हमारा रिमोट इसके अंदर फंस चुका है, ओहो हमने उसको गिरा दिया है। और इसके अंदर कितनी दो डबल साइज़ की बैटरी लगती है, आई थिंक ये देखिए यहाँ पे दो डबल साइज़ की बैटरी लगेगी, तो वो भी मैं आपको लगा के बताऊँगा। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छा छोटा सा इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है, तो इसको चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, और इसके अंदर बैटरी लगा के आपको नीचे चला के भी बताऊँगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, कहीं जाएगा नहीं, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए अब आते हैं हमारे मिनी ट्रक के ऊपर, देखिए ये देखिए, वाह काफ़ी छोटा सा है यार, काफ़ी अच्छा है। फ्रंट लुक देखिए इसका, दोनों के अंदर डिफरेंस आपको दिख जाएगा। सुपर पावर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इनकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी दोनों सेम है फ्रंट की तो, लेकिन जो आगे का इसका फ्रंट लुक है दोनों का डिफरेंट है। इसके अंदर ग्लास जो है ब्लू कलर के है, इसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंट है, इसका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर के, इसमें वो शर्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा के पूरा यहाँ पे डिफरेंट कलर से यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। अंदर का जो है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें लाइट नहीं जलती है, इसके अंदर लाइट भी यहाँ पे दे रखी है, बल्ब दे रखा है, यहाँ पे बल्ब दे रखा है, वो भी जलता है यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन एक ओपन करने का एक ऑप्शन दे रखा है, आई थिंक ये इसके अंदर ओपन नहीं हो रहा है, देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर फिक्स है, ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा कंटेनर का, लेकिन ये हमारा बिग वाले के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ओपन और क्लोज दोनों चीज़ हो रही। उसके बाद यहाँ से ये देखिए इसको इतना ऊंचा कर सकते हो आप, इसको कचरा अगर आपने भर रखा है तो इसको खाली करने के लिए, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ से आप इसको ऊंचा नहीं कर सकते जिससे आप उसको कचरा भी नीचे फेंक सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो है इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर बैटरी लगती है कितनी लगेगी, यहाँ पर 3AA की इसके अंदर बैटरी लगेगी, और उसके अंदर आई थिंक बैटरी और यहाँ तो फिर आपको इसके बाद चार्जेबल बैटरी भी मिल जाती, तो वो अभी हम चेक करके बताएंगे। लेकिन बैक लुक देखिए, बैक प्रोफाइल देखिए, दोनों की कंपेयर करिए, देखिए इसके साथ हमें एक डस्टबिन मिल जाती है, यहाँ पे भी एक डस्टबिन तो मिलेगी हमें, लेकिन वो काफ़ी यूनिक तरीके की डस्टबिन है, देखिए यहाँ पर अंदर ही अंदर डस्टबिन है, वो यहीं पर आप उसको डाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह की डस्टबिन, और इसमें यहाँ पे आउट बाहर की तरफ आपको इस तरह की डस्टबिन मिल जाती है। यहाँ पे दोनों के अंदर इस तरह की डिफरेंस और सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं, यहाँ से ओपन ये हो जाता है, यहाँ से ये भी ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन्होंने बनाया तो बीच में इनने कुछ यहाँ पे पाइप वगैरह मतलब यहाँ पे दे रखे हैं स्क्रू वगैरह कसने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पूरा एकदम प्लेन है। और दोनों के अंदर डिफरेंस तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइज़ है क्योंकि ये काफ़ी बिग साइज़ में, और ये काफ़ी छोटा है, इसके अंदर साइज़ काफ़ी कम है। लेकिन चलिए अब इसका मेन टेस्ट जो है हमें नीचे करना होगा, जब हम इसको नीचे चलाएंगे, क्योंकि हमारा दोनों के दोनों ट्रक आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों काफ़ी कमाल के, लेकिन दोनों की स्पीड और परफॉर्मेंस क्या है वो आपको नीचे ही जाके पता चलेगा। चलिए सबसे पहले मैं इसका नीचे चला के बताता हूँ, इसका टेस्ट करते हैं, तो चलिए लेट्स गो। We'll be right back.
तो देखा आपने हमारा जो मिनी ट्रक था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्लो चलता था, इतना फास्ट नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा था। उसके अंदर आप देख सकते थे गार्बेज वगैरह भर के भी मैंने आपको बताया था, इस तरीके से फिल कर सकते हैं, यहाँ से खाली कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर जो कि हमारा बिग गार्बेज ट्रक, देखिए काफ़ी बिग है साइज में। इसके अंदर क्या लिखा है, कीप क्लीनिंग रिसाइकल रिसाइकलिंग और इस तरह के यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। इसका लुक देखिए, इसका लुक, इसका जो फ्रंट व्हील है, जो इसका मतलब फ्रंट जो व्यू है वो काफ़ी बिग है। इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। और इसके टायर देखिए, टायर ऑटोमेटिक है, ये वाला जो टायर है इसके आई थिंक ये रिमोट से चलते हैं, ये वाला काफ़ी फ्री है, फ्रंट वाला भी काफ़ी फ्री है। और इसके अंदर यहाँ से आपको बताया मैंने, यहाँ से गार्बेज आप देख सकते हैं कितना भरा है हमारा कचरा, यहाँ से देख सकता है, यहाँ से आप गार्बेज भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। पीछे भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो चलिए इसके अंदर बैटरी सब कौन सी लगती है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए तो इसके अंदर चार्जेबल बैटरी लगती है, तो मैं भी आपको बताता हूँ कौन सी वाली चार्जेबल लगती है। अब आते हैं हमारे रिमोट के ऊपर, रिमोट में कौन सी बैटरी लगती है। रिमोट सबसे पहले आप देख सकते हैं, रिमोट जो है पूरा स्टेयरिंग वाला रिमोट है हमारा, राइट लेफ्ट इस तरीके से चलता है, तो इस तरह का रिमोट है इसका। और इसके अंदर कितनी बैटरीज लगती है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ओपन करके, ये देखिए इसके अंदर 3AA साइज़ की बैटरीज लगेगी, तो मैं लगा के आपको नीचे लगा के बताऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे दो गेयर दे रखे हैं, देखिए ये आएगा फ्रंट, ये आएगा बैक, राइट लेफ्ट आपको करना था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर, बैटरीज फिल करता हूँ, आपको नीचे चला के बताता हूँ। तो इसके अंदर जो बैटरीज लगती है उसके साथ जो चार्जर मिलता है वो हमें ये वाला चार्जर मिलता है, देखिए ये वाला एक कनेक्टर मिलता है। और ये वाली इसके अंदर कितने एमएच की बैटरी मिलती है हमें, यहाँ पे 500 एमएच की बैटरी हमें मिलती है। तो 500 एमएच में आई थिंक ये क्या चलता होगा, किस तरीके से चलता होगा, वो मे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। चलिए इसके अंदर बैटरी मैं यहाँ से लगाता हूँ और इसको नीचे चला के आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर बैटरी फिट कर दी है, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा ये वाला, और ये यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पॉइंट को इसके अंदर आपको इस तरीके से लगा देना है, देखिए मैंने फिट कर दिया है। और यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑन ये ऑफ, ये ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ पे, तो ये ऑन ऑफ के स्विच से वो चालू हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से बंद क्लोज, और उसके बाद आपको नीचे चला के बताऊँगा। इसके अंदर भी मैंने बैटरी लगा दी है। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। तो चलिए चलते हैं इसका नीचे टेस्ट करने के लिए, लेट्स गो। सो देखा आपने, ये हमारा बिग वाला जो था हमारा जो ट्रक था गार्बेज ट्रक, वो कितना कमाल का था, काफ़ी अच्छा इसका जो था मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे इसके अंदर जो अच्छी तरीके से इसको आप बैलेंस कर सकते थे, अच्छी तरीके से चलता था, स्पीड भी इसकी नॉर्मल थी, इतनी फास्ट भी नहीं बोल सकते लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। और जो हमारा छोटा वाला जो ट्रक था वो भी मैं आपको बताया था मैंने कि वो काफ़ी स्मॉल है साइज़ में, और उसके अंदर वो काफ़ी स्लो चलता था एज़ कम्पेयर टू इसके, लेकिन वो वाला जो था वो ये वाला था तेज़ चलता है उससे। और ये हमारा छोटा वाला देखिए, दोनों कंपेयर करके देख सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मुझे तो दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे, दोनों ही पसंद है। तो आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलता है हमारे किसी अगले टॉयज़ के वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।